गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई लव यू। आज हम क्लास वन का SST लेसन टू पढ़ेंगे, जिसका नाम है वस्त्र। वस्त्र, जैसा कि हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, वस्त्र घर मनुष्य की दूसरी मौलिक आवश्यकता है। वस्त्र, वस्त्र जिसे हम शरीर को ढकते हैं, और वस्त्र ही हमें सुरक्षित रखता है। जिस प्रकार धूल धुआं आंधी तूफान बारिश से हमें हमारे शरीर की त्वचा को ढकता है, इसलिए वस्त्र वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि बच्चों अभी हम देखेंगे, वस्त्र जो है केवल एक ही सीजन के लिए नहीं बना है, हर सीजन का अलग अलग वस्त्र है। जैसे आप देखेंगे आगे, ये पहला जो है आपको दिख रहा होगा, ये पहाड़ है जिसमें से सूर्य निकल रहा है। गर्मी के दिनों में ये सूर्य का प्रकाश सहन नहीं होता है, जिस कारण गर्मी अधिक होती है। इस गर्मी से बचने के लिए हमें सूती वस्त्र पहनते हैं। सूती वस्त्र पहनने से गर्मी कम लगती है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो ये हो गई गर्मी, गर्मी का कपड़ा जो हमारे शरीर को सुरक्षित रखता है। दूसरा है वर्षा। वर्षा जिसमें बारिश होती है, हल्की हल्की ठंड भी होती है और मानसून भी अच्छा रहता है, जिसमें हम सूती वस्त्र इस बरसात में भी पहन सकते हैं। दूसरा देखेंगे बच्चों, ये है ठंड, जिसमें ये लकड़ी जल रही है। जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? क्योंकि सूर्य का तापमान बहुत ही कम होता है, जिसे हमें ठंड लगती है, और ठंड से बचने के लिए हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, उष्मा मिलती है और हमें ठंड नहीं लगती है। आप देखेंगे बच्चों, हम यह वस्त्र जो बनते हैं वो किन किन धागों से बनते हैं? सूती से, सूत से बनते हैं कपड़े, ऊन से बनते हैं ऊनी कपड़े, और रेशम जो शहतूत के पेड़ से बनता है रेशम का कपड़ा, और सिंथेटिक। ये है चार तरह के कपड़े जो हम हमेशा पहनते हैं। सूती वस्त्र तो रोज़ाना पहन सकते हैं, और रेशमी से बना वस्त्र हम कभी उत्सव शादी विवाह में पहनते हैं। तो हर तरह के अपने अपने वस्त्र होते हैं। वस्त्र जैसा भी हो, साफ़ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। अगर वस्त्र हमारा साफ़ है तो हम अच्छे दिखते हैं, अगर वस्त्र गंदा है तो हम गंदे दिखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वस्त्र यानी कपड़ों की देखभाल करना, वस्त्र को अच्छे से रखना आपकी भी जिम्मेदारी है। इसलिए इस लेसन में हमने पढ़ा वस्त्र के बारे में। वस्त्र सबके लिए अलग अलग होता है, बच्चों के लिए अलग। जैसे यहाँ देखेंगे, एक छोटी बच्ची है जो यहाँ फ्रॉक पहनी हुई है। दूसरा यहाँ पे एक लड़की है जो सूट पहनी है, और यहाँ पे एक आदमी है जो पैंट शर्ट पहना है। सबके लिए अलग अलग वस्त्र बनाए जाते हैं, लेकिन ये सब किसके वजह से होता है? ये सूत के वजह से ही बनता है। जिस सूत, चाहे रेशम का हो, चाहे वो ऊन का हो, चाहे वो सूत का हो बना हो, हम इन्हीं धागों से निर्मित वस्त्र पहनते हैं, और अपने शरीर को आकर्षण दिखने के लिए हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। विद्यालय में जो हम जाते हैं, वो भी ड्रेस यानी वो भी कपड़ा सूत से ही बना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा इस लेसन में सूत से, धागे से, और रेशम से, और सिंथेटिक कपड़ों से बना वस्त्र। तो वस्त्र वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पता होगा, पक्षियों का कपड़ा नहीं होता, पक्षियों का पंख ही उनका कपड़ा होता है। उनको ढकने के लिए उनका पंख ही काफ़ी है। आपको पता होगा या नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ, आदि मानव जो थे वो पत्तों के कपड़े पहनते थे, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था, और धीरे धीरे जब विकास हुआ तो वो जानवरों के खाल से अपना वस्त्र सिल के पहना करते थे। और आज हम सभी धागों से निर्मित और वस्त्र पहनते हैं, और सभी आकर्षक दिखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस लेसन को आप अच्छे से पढ़ेंगे।